टुकड़े टुकड़े गैंग वालों, अर्बन नक्सलियों, देशद्रोहियों, इस्लामिक जिहादियों, आप सबको मेरा सलाम। क्योंकि कोई पढ़ा लिखा आदमी इस सरकार के खिलाफ बोलता है तो वो अर्बन नक्सल बन जाता है, कोई गरीब बोलता है तो माओवादी बन जाता है, कोई मुसलमान बोलता है तो जिहादी बन जाता है। पर देश के गद्दार तो सिर्फ दिल्ली में जो गद्दी में बैठे हैं वही लोग हैं। इसको दो मिनट में लूंगा, इसको समझना होगा। जिस तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, एनआरसी और हम जितने देर तक अभी तक नारा लगा रहे हैं वो एनआरसी और सीएबी के खिलाफ सिर्फ लगा रहे हैं। लाइट लगा। और जो एनआरसी आपके ऊपर लागू होने वाला है वो एनपीआर के तौर पे है। इसको समझने की जरूरत है। हम यहाँ पे आए, नारा लगाए, चले जाए, उससे नहीं चलेगा। समझना जरूरी है क्योंकि एनपीआर के दौरान जो है उसी के थ्रू पूरे देश में जो है अमित शाह अपने एनआरसी लागू करना चाहते हैं। पर अगर वो यहां सोचते हैं तो हम यहां सोचते हैं। उनको लगता है कि ऐसे बोलेंगे कि 2024 तक मैं करके रहूंगा और चुपके से एनपीआर के थ्रू करूंगा, तो हम भी जानते हैं कि एनपीआर को कैसे रोके। हमारी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी इन सब पे बोला है कि हम इसको सहयोग नहीं करेंगे, उनसे मेरी विनती है कि आप तुरंत जो है एनपीआर का जो एक्टिविटी